ये प्रेशर जाएगा सीधा, लेकिन ये वाला प्रेशर इनसाइड जाएगा। बुखार बुखार है, बुखार। तो आई थिंक आधे लोगों ने, तुमने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो देख चुके हो, सो तुम्हें पता होगा कि मैं सुबह जाके ठंड में भाग गया था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट फीवर। मेक सेंस, बाकी दवाई खा लेता हूँ, दवाई खाने का टाइम हो गया भाई, तो चार चार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं वक्त में। सो दो दिन हो चुके हैं जब से मुझे फीवर हुआ है, और मेरे स्केड्यूल में होता है कि जिस दिन मैंने वीडियो बना ली उसके एक या दो दिन बाद मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी ही करनी है। सो हियर वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो। पेंचोल, और जब भी किसी को बुखार होते है पढ़ा लिखा आदमी कहाँ जाता है, ऑब्वियसली यूट्यूब। भाई जो डॉक्टर में थोड़ी जाता कोई। सो आज हम देखेंगे हाउ टू एलिमिनेट फीवर इन 2 मिनट्स, ठीक है, बुखार का इलाज इन 2 मिनट्स। सिर्फ एक चुटकी नमक बुखार को जड़ से खत्म करेगी। हेलो okay, नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं फीवर की, यानी कि बुखार की। आज हम आपके लिए एक नुस्खा लेके आए हैं जो कि हर तरीके के बुखार में बहुत ही कारीगर होता है। एक चुटकी नमक है ये, एक चुटकी। थैन उसके हाथ में तेरे भाई, कौन अबे यार ये। हल्की आंच पे तवे पर गरम कर लेंगे और उसको जब तक भूनते रहेंगे जब तक वो सुनहरा ना हो जाए। दोस्तों बुखार से जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है और हम बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता, खाना पीना अच्छे से नहीं कर पाते। बुखार के जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसा कि आप वीडियो में बुखार के साइड इफेक्ट्स हैं। किस साइड इफेक्ट से बुखार होता? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वायरल फीवर या कोई भी फीवर, मलेरिया, ये अगर इंसान को हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने पर हमें बहुत सारा हमारा खर्चा हो जाता है, 2-3 हजार, 4 हजार, 10 हजार भी कई बार लग जाते हैं। 10 हजार भाई। कौन से डॉक्टर है 10 हजार रुपए ले रहे हैं? यू नो प्रीटी मच सम्स अप कि व्हाई आई एम वाचिंग नमक से बुखार ठीक हो। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू, अबे यार सामग्री बता। तो सिंस ये बंदा बहुत ही टाइम ले रहा है तो मैं ही बता देता हूँ। इसके बाद इसने बोला था कि नमक को भून लेना है थोड़ी देर और उसके बाद उसे गुनगुने पानी से ले लेना है। चलो आगे चलो भाई, ट्राई करके देखते हैं ये भी भाई। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों अपने आप पे कष्ट डाल रहा हूँ मैं। चलो भाई किचन में चलते हैं, ठीक है। ओ भाई यार उठा नहीं जा रहा, गिर ना जाऊँ मैं, रुको भाई। नमक गरम करने का टाइम हो चुका है। भाई मैं क्यों वेस्ट कर रहा हूँ यार, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। कौन बोलता है लड़कों को कुकिंग नहीं आती है? सब कुछ आता है लड़कों को, ओके, कुकिंग कुकिंग शुकिंग सब आती है। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट काफी ब्राउन हो चुका है ये वाइट से, तो आई थिंक हो गया ये कि नमक काला ही हो गया। इसे पानी में मिक्स कर देते हैं। Here you go. Jesus Christ, it looks bad. Fuck was that? कोई ना, we'll try once again. मेरा ही पानी है, ठीक है? गांड मरा गया पानी, ठीक है। मैं जो कुछ और हो ना हो, कोई और ही प्रॉब्लम मुझे पता लगे नमक पी के। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ओह अनदर टिप, कान से जुकाम बुखार यह दबाने से ठीक होगा 100%। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम बदलते मौसम में सर्दी जुकाम। ये अपन देखिए आवाज कितनी स्वीट है यार। इसमें मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे आपको मसाज करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट मिलेगा आपको अपने अंगूठे के अंदर, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर हल्का सा नीचे, इस टॉप से हल्का नीचे आपको इस जगह ये पॉइंट मिलेगा। तो इसको आपको 2-3 मिनट्स की पंपिंग करनी है, इसको प्रेस करना है, डीप प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। अच्छा, एक्यूपंक्चर सेंटर पॉइंट का है।
दो से तीन मिनट करने के बाद पता नहीं बुखार गया मेरा कि नहीं गया, मैं जो घुटने पे निशान जरूर पड़ गया है तो फक इज बाय द वे मेरे हाथ पे एक तिल भी है, किसी को नहीं पता हो तो, किसी ने मुझे बोला था जिसके हाथ में तिल होता है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब हम जो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा थंब वाला, इस जगह हम मूंग का दाना लगाएंगे इस तरह, पेपर टेप पे मूंग का दाना लगाना इस तरह, और उस पॉइंट पे आपको मूंग का दाना चिपकाना है। भैया जी मूंग का, मूंग की दाल घर पे खत्म है, राजमा लगा सकते हैं। हमने पूछ लिया है मूंग की दाल घर पे खत्म है कि राजमा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। लेट्स मूव ऑन टू अनदर ट्यूटोरियल एंड आई होप ये लास्ट वन होगा। कैसा भी बुखार हो बस 6 सेकंड का उपचार। वीडियो सर आपकी 6 मिनट की है, नुस्खा आपका 6 सेकंड कैसा है? तो बुखार यानी वायरल फीवर का एक जबरदस्त ट्रीटमेंट रामबाण ट्रीटमेंट जो 15 से 20 मिनट में किसी भी बड़े से बड़े बुखार को नीचे लेकर आ जाता है। कैसे होगा वो ट्रीटमेंट? लीवर हमारे इस बाएं एरिया में होता है, लेकिन न्यूरोथेरेपी के अंदर ओके आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ओके देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, एकदम मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम दाईं तरफ से प्रेशर देते हैं, इस जंगा पर और इस हाथ पर एक साथ हमको प्रेशर डालना है और उसके 3 पार्ट बना रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहले हमने पोजीशन बनाई ऐसे, ये प्रेशर जाएगा सीधा लेकिन ये वाला प्रेशर थोड़ा इनसाइड जाएगा। सो अनकंफर्टेबल वॉचिंग दिस मैन, क्या चल रही है यार। इसीलिए यहां दबाया, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सेकंड के लिए हमने दबाया। अब आधा मिनट के लिए ब्रेक, फिर आधा मिनट कंप्लीट होने के बाद मिडिल थाई और मिडिल आ। अंकल जी ये पहले ही 12 सेकंड हो गया, आपने 6 सेकंड बोला था और ऊपर से क्या कर रहे हो अंकल यार, क्या व्यू है ये? ओए आचार्य जी यार नहीं नहीं, क्या आचार्य जी क्या कर रहे हो आप यार, ऐसे नहीं होगा ठीक। चलो कोई ना, वेट करते हैं प्रीत के आने का, दबाइए वो घर आके। चलो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड कि मेरा बुखार गया कि नहीं, इवन तो मैंने दवाई भी खाई हुई है, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। ओके गाइस फाइनली प्रीत घर पे आ चुके हैं। प्रीत कम ऑन लेट्स स्टार्ट, बुखार भुगाना है, बुखार ऊपर ऊपर वाला पार्ट अंतर को। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओए आधे मिनट का रेस्ट लेने हैं। सेकेंड ट्राई, सेकेंड पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओ माय गॉड, सारा सोच बोल ये फक मैन, ओह बुखार जा रहा है। रेडी? फाइनल फुल एंड फाइनल वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ भी सूर्य कैसा लग रहा है? कहीं मेरे सच में बुखार चला गया। ठंड लगी मुझे। ओके गाइस दैट इज इट, जल्दी ठीक होके वापिस आएंगे। बाय।